सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने की तैयारी। अंदर मैं लगाई हूँ झाड़ू, और अभी बाहर बचा है तो वो भी लगा रही हूँ। आज पिंकी दी ने जाना था अपने किसी काम से जल्दी, तो उनके साथ मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था तो थोड़ी सी हेल्प हो गई थी उनको। वो बता रही थी कि उन्होंने डिपो जाना है राशन लेने के लिए, तो बस जल्दी चली जाती है, तो आज मैं लेट हो जाऊंगी, तो उस वजह से मैंने सोचा मैं थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ ताकि वो लेट ना हो और काम हो जाए उनका। ना भी सुबह सुबह उठ गया था तो उसको अम्मा जी ने लिया हुआ था, और आज अम्मा जी की भी घर वापसी थी तो सारे ही जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे, क्योंकि आज मम्मी और अम्मा जी ने घर जाना था। और ये रहा आज का मौसम, थोड़े बादल वगैरह छाए हुए हैं और थोड़ी देर बारिश भी हुई थी, बट हट गई थी, उसके बाद मौसम साफ हो गया था। और जिम्मी जहाँ मैं जाऊँ बस खड़ा हो जाता है वहाँ जाके आगे कि बस ले चले मुझे घुमाने के लिए। फिर आ जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि मम्मी और अम्मा जी जा रहे थे घर, तो मम्मी जी कर रहे थे थोड़ा सा सामान पैक, क्योंकि घर पे फिर सामान कम पड़ जाए तो वहाँ पे उसी टाइम वो चीज़ मिलती नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं वहाँ पे, तो आज घर से पैक करके ले जा रहे थे जो जो सामान ज़रूरी है वो डाल रहे थे। थोड़ा बहुत खेतों का काम भी करवाना था और घर की साफ़ सफाई भी करनी थी, तो मम्मी जी ने बोला मैं जाती हूँ, और अम्मा जी को भी काफ़ी दिन हो गए आए हुए, तो अम्मा जी अभी उदास होने लग पड़े थे, इसलिए मम्मी जी ने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ और अम्मा जी का मन भी खुश हो जाए।
पैकिंग वगैरह करवाने के बाद फिर चली जाती हूँ मैं अम्मा जी के पास, क्योंकि वो रेडी हो रहे थे घर के लिए, तो उनके बाल बनाने थे, तो मैं फिर कंघी करके उनके गुत बना देती हूँ। आज अम्मा जी बड़े खुश थे क्योंकि आज घर जा रहे थे काफ़ी दिनों के बाद, तो आज अम्मा का चेहरा बिल्कुल खिला खिला लग रहा था। ऐसे वो बिल्कुल उदास हो गए थे क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रहा जाता उनसे यहाँ पर। गुत बन जाने के बाद अम्मा जी जाते हैं कान्हा के पास बात करने, और थोड़ा सा लाड लड़ा लेते हैं उनके साथ। मम्मी अम्मा जी जा रहे हैं घर और पापा जी जा रहे हैं अपने कान से, और यहाँ इनको मैं थोड़ा सा बाहर तक छोड़ने जाती हूँ क्योंकि अब पता नहीं कब आएंगे अम्मा जी। हस्बैंड जी भी अम्मा जी से मिलने आ जाते हैं, वैसे तो उनकी नाइट ड्यूटी थी तो आके वो सो गए थे, पर जैसे उनको पता चला कि अम्मा जी जा रहे हैं तो आ गए थे उठ के उनसे मिलने के लिए। थोड़ी सी बातचीत करते हैं और मम्मी जी बताते हैं उनको थोड़ा बहुत घर का काम, और फिर पापा जी भी कर लेते हैं बात अम्मा जी के साथ क्योंकि पापा जी ने जाना था अपने काम से कहीं बाहर। उनके चले जाने के बाद फिर थोड़े बहुत कपड़े होते हैं धोने को, वो निकालती हैं मशीन से, और थोड़े मम्मी जी धो गए थे, और फिर आ जाती हूँ मैं उनको धूप में डालने के लिए, और बच्चा छोड़ आती हूँ हस्बैंड जी के पास क्योंकि आज उनकी रेस्ट थी, तो मेरा काम करने को भी ठीक रहा मेरे को। और दिन के टाइम तो पापा जी ने भी वापस आ जाना था, तो अभी मैंने ये थोड़ा बहुत काम जो था वो निपटा लिया।
उसके बाद करती हूँ मैं लंच की तैयारी, क्योंकि सारे काम करने के बाद मैं हो चुकी थी फ्री, तो अभी करना थी लंच की तैयारी। और यहाँ पे मैंने दाल वगैरह बॉईल कर रखी थी, उसको बस तड़का लगाना था। और तड़का वगैरह लगाती हूँ फिर। तड़का लगा लेती हूँ और फिर रख देती हूँ एक साइड चावल, तो तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा फ्रूट कट और दे देती हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि यह काम कर रही थी तो मेरे को याद ही नहीं रहा कुछ ये सब करने का। और अभी ये याद आई तो मैंने उसे दे देती हूँ। और खाना हम थोड़ा लेट खा लेंगे, और पापा जी ने भी आना था तो फिर साथ में खाना था, तो मैंने सोचा पहले फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। से वीडियो कल की बनी हुई थी और मेरे को एडिट करने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि रात को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि कुछ काम करूं, और नींद लगी थी इसीलिए मैंने एडिट वगैरह नहीं की, क्योंकि कल रेस्ट वगैरह नहीं मिला थोड़ा सोने सोने को, तो फिर नहीं की एडिट। और अभी दिन में कर रही हूँ एडिट, और रात को बच्चे के साथ फिर टाइम भी नहीं लगता और हिम्मत भी नहीं थी करने की, तो मैंने रहने दी, मैंने सोचा कल ही करती हूँ। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।